दोस्तों आजकल एक टॉपिक है जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जो कि है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक केशव फिल्म्स में। दोस्तों आज तो मैं उठ गया था 7:30, लेकिन जब घर से निकल रहा था पापा ने बोला चाय पी लो, एंड चाय तो अच्छी लगती है ही, तो निकलते निकलते 8 बज गए। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ऐसा आपके साथ भी होता है कि रात को सोचते हैं कि भाई कल तो आग लगा दूंगा, कल तो सुबह सुबह उठ जाऊंगा, कल ये करूंगा, कल वो करूंगा, एंड जब अगला दिन आता है तो लगता है 5 मिनट और सो जाते हैं यार, 5 मिनट और सो जाते हैं, 10 मिनट और सो जाते हैं। मेरा तो ये होता है, कल रात को मैं सोया हूँ 2:30 बजे करीब, एंड मेरा प्लान था ये 5 बजे उठ के सुबह पार्क पहुँच जाऊँगा, 5 बजे उठानी, अलार्म 5:30 का लगाता हूँ, लेकिन उठा बिल्कुल मैं 7:25 उठाता, बट 5 मिनट करते 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 फाइनली निकला हूँ 8 बजे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। एंड अब करते हैं अपना एक्सरसाइज स्टार्ट, थोड़ा भागते भागते हैं, अब दिखाते हैं आपको अपना एक्सरसाइज, ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पिछले 2 दिन से जो है मैं वहाँ पे थोड़ा दौड़ रहा था, एंड आज स्पेशली मैं यहाँ पे दौड़ रहा हूँ, मतलब बिकॉज वहाँ पे थोड़े कुछ लोग कार सीख रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा छाँव भी है और हवा बड़ी अच्छी चल रही है। इतने जहाँ मैं बैठा हूँ, ये कोई स्कूल है, आदर्श प्राथमिक विद्यालय, अभी तो ऑब्वियसली बंद ही है, बड़ी प्यारी सी हवा चल रही है यहाँ पे। मतलब मैं कितना 10 राउंड दौड़ाऊँगा यहाँ पे, छोटे छोटे 10 कदम, बड़ा सही लग रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। नहीं भैया, बैठना नहीं है, थोड़ा एक्सरसाइज ही करना है, थोड़ा एक्टिव रहना है इस टाइम पे, वो अभी रहेंगे एक्टिव तभी तो पूरे दिन सही रहेगा, कोई नहीं करते हैं। सो यहाँ का तो एक्सरसाइज खत्म हो गया ऑलमोस्ट, अब मैं जा रहा हूँ घर पे, थोड़ा घर पे और व्यायाम करूँगा, थोड़ा पुलअप मारूँगा, एक्सरसाइज करेंगे एंड आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई नहीं, सामान लाना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान वुकान, थोड़ा सामान वामान लाना है, मम्मी वहाँ पे वेट कर रही हैं, एंड धूप भी चल रही है, अपनी हवा भी तेज़ चल रही है, कोई नहीं दोस्तों, चलो अब गर्मी लग रहा है आ गई है सही में। सो दोस्तों मेरे पापा का ऑफिस तो खुल गया है, एंड वो आज मॉर्निंग में गए थे, एंड अभी छोटी छुट्टी जल्दी हो रही है तो मैं उनको लेने जा रहा हूँ पुस्ता पे। बेसिकली पुस्ता जो है हमारा यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग है, तो मैं बाइक अभी निकाल रहा हूँ एंड बाइक से जो है अभी जाऊँगा, तो चलते हैं। दोस्तों आजकल एक टॉपिक है जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जो कि है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा भी मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए इसके बारे में। दोस्तों देखो, हर चीज़ में अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बुरी चीज़ें भी होती हैं, टिकटॉक में ही बुरी चीज़ें हैं बट अच्छी चीज़ें भी हैं, एंड यूट्यूब में भी सेम अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, एंड बहुत टिकटॉकर्स भी हैं, ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बट टिकटॉक एंड यूट्यूब में काफ़ी फ़र्क है। लाइक टिकटॉक में 15 सेकंड्स मिलते हैं उनको एंड 1 मिनट मिलता है, एंड वैसे यूट्यूब में हमें कोई टाइम की लिमिट ही नहीं है, बट उसी 15 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच में कुछ टिकटॉकर्स इतने अच्छा मतलब अपना कंटेंट बनाते हैं, तो हम जगह बोल रहे हैं कि इनका कंटेंट क्रिंज है, इनका कंटेंट बेकार है, तो ये सही नहीं है। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास यूट्यूब देखने का टाइम ही नहीं है, वो टिकटॉक ही देखते हैं, उनको बस एंटरटेन होना है, थोड़ा हंसना है, एंड टिकटॉक जो उनको थोड़ा हंसा पाता है। एंड बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कहानियाँ देखने में मतलब टेक रिव्यूज़ देखने में, कॉमेडी वीडियोज़ देखने में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो देखते हैं यूट्यूब। तो यूट्यूब की ऑडियंस अलग है, टिकटॉक की ऑडियंस अलग है, तो अगर हम दोनों कंपेयर करते हैं कि भाई
यूट्यूब बेकार है, टिकटॉक बेकार है, तो ये बहुत बुरी बात है ना। हमको ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब स्टार्ट किसी ने किया एंड वो पहुँच कहीं और गया, लड़ाइयाँ हो गई हैं, मतलब बहुत इंटरनेट पर ऑनलाइन लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये गलत है। मतलब मेरा मानना ये है कि जो टिकटॉक की वीडियोज़ बना रहे हैं वो टिकटॉक की वीडियोज़ बनाओ, जो यूट्यूब की वीडियोज़ बनाओ यूट्यूब की वीडियोज़ बनाओ, जिनको टिकटॉक वीडियोज़ बनाने में इंटरेस्ट है, साथ में मन करा यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब भी वीडियो बना लो। बट ये मत बोलो यार कि उनकी वीडियो क्रिंज है, उनकी वीडियो क्रिंज है, कंपेयर क्यों कर रहे हो? अपना कंटेंट इतना अच्छा बनाओ ना कि लोग लाइक्स पर लाइक्स दें। और ये थोड़ी ना कुछ होता है कि आप दो चीज़ों के बीच में लड़ाई कर रहे हो और चाहते हो कि भाई इससे हम लोग हिट हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सारे क्रिएटर्स अच्छे होते हैं, कुछ क्रिएटर्स सिर्फ नकल करते हैं एंड कुछ क्रिएटर्स हैं वो मतलब बहुत ही चीप वीडियोज़ बनाते हैं। हाँ, उनको आप बोलो जहाँ अगर क्रिंज है तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है सिर्फ वो टिकटॉक में ही है, ऐसे यूट्यूब में भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको बैन करना ही है तो ऐसे क्रिएटर्स को बैन करो जो इस तरह की बेकार वीडियोज़ बनाते हैं, चीप वीडियोज़ बनाते हैं। जो हमारा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक यूट्यूब, ये तो हमारे लिए सोशल प्लेटफॉर्म है, मतलब इसके थ्रू तो हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। एंड आप लोग पॉजिटिव चीज़ देखें के बिना नेगेटिव चीज़ को देख रहे हो, ये गलत बात है ना। सो आप लोग फोकस करो कि इसमें क्या अच्छा है, उन 15 सेकंड्स में, एक मिनट में, यूट्यूब पे अनलिमिटेड टाइम में आप क्या बना सकते हैं, क्या लोगों को दे सकते हैं बना के, जिससे लोगों को हेल्प मिले, लोग को सीखें, एंजॉय करें, कुछ ऐसा बनाओ यार। ये क्या बात हुई कि टिकटॉक बेकार है, यूट्यूब बेकार है, यूट्यूब अच्छा है, टिकटॉक अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक प्लेटफॉर्म है, बस सोशल प्लेटफॉर्म है, इसका आप लोग यूज़ करो। कंपैरिजन करना बंद करो, अपना कंटेंट पे ध्यान दो, मेरा ये मानना है। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं सिर्फ ये मानता हूँ, मेरे लिए दोनों प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। मैं टिकटॉक पे भी हूँ और यूट्यूब पे भी हूँ, बट मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाते हैं और इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो टिकटॉक के बारे में मैं तो गलत बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ क्रिएटर्स के बारे में बोलूँगा वो बेकार हैं। उनके लिए अगर टिकटॉक चाहे या यूट्यूब वाले चाहें तो उनके लिए कुछ करें, लेकिन सारे क्रिएटर्स ऐसा नहीं है, सब क्रिएटर्स अच्छे होते हैं, सब मेहनत करते हैं। वो 15 सेकंड से लेके जो एक मिनट की वीडियो बनती है उसमें भी इतनी मेहनत होती है, बहुत टाइम लगता है बनाने में। सो आप लोग कंपैरिजन करने के बिना थोड़ा आगे बढ़ो और अपने कंटेंट पर ध्यान दो खाली, मेरा ये मानना है। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का रिव्यू, मतलब मेरी राय थी बेसिकली, बिकॉज मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरा मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बोलना चाहिए, वैसे मैं इन मामलों में पढ़ता नहीं हूँ। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, पसंद ना आई डिसलाइक कर देना, एंड कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कुछ कमी लगी सजेशन देना है आपको तो वो दीजिए। एंड अगर आप इस फेस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो फॉर प्यारीफाई लवली वीडियोज़, सब्सक्राइब टू मयंकेश फिल्म्स। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, बाय बाय।